गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने असतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। ये तीनों विधियों से ज्ञात करेंगे। पहली विधि थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी हमारी काल्पित विधि और तीसरी थी पद विचलन विधि। तो हमारा जो सवाल था, ये सवाल है वर्ग और यहां पर है बारंबारता वर्ग था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वह है 5, 8, 5, 8, 20, 14, 3। अब बेटा हमें इसका समांतर माध्य याद कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली जो विधि है प्रत्यक्ष विधि से याद कर रहे हैं। तो हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए यहां पर चाहिए मध्यमान। मध्यमान को हम दर्शाते हैं x से, वर्ग चिन्ह भी हम इसे कहते हैं। आई लगाओ तो लगाओ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब मध्यमान हम कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने के लिए ये हमारी है लोअर लिमिट, ये है हमारी अपर लिमिट, अर्थात ये निम्न सीमाएं, ये उच्च सीमाएं, इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और 2 का क्या दे देंगे? भाग। 0 और 10 को जोड़ा, कितना आया अपना 10। 10 में किसका भाग देंगे हम? 2 का। कितना आया है? 5। यहां पर 10 और 20 कितने हुए? 30। 30 में हम 2 का भाग देंगे तो यह आएगा आपका 15। 20 और 30, 50। 50 में हमें फिर 2 का भाग देना है तो यह आएगा आपका 25। यहां पर 30 और 40 को जोड़ेंगे आएगा 70। 70 में 2 का भाग देंगे यह आएगा आपका 35। यहां पर 40 और 50 हुए 90। 90 में 2 का भाग देंगे आएगा 45। ये हमारे पास मध्यमान अर्थात वर्गचिन्ह प्राप्त हो चुका है। अब हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए जब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र पिछले वीडियो में बताया था। इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मतलब हमें एफ एक्स का गुणनफल और चाहिए, तो ये हमारे पास एफ आ गया, ये हमारे पास एक्स आ गया। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे एफ एक्स। एफ का मान है 5, एक्स का मान है 5। 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा। एफ का मान है 8, एक्स का मान है 15। 15 गुना 8 करना है, 120 आएगा। अब 20 गुना 25 करना है, 20 गुना 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 आएगा। अब आपको 14 गुना 35 करना है, 14 गुना 35 करेंगे, 14 पंजा 70 की 0, हसीला की 7, 14 42, 42 7 49। अब 3 गुना 45 करना है, 3 गुना 45 करते हैं तो यह आएगा 135। अब हमारे पास एफ एक्स आ गया। एफ एक्स जब प्राप्त हो जाता है तो अब हमें यहां पर सिग्मा एफ चाहिए। इसका मतलब होता है बारंबारताओं का योग, और दूसरा सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो इस एफ एक्स का योग चाहिए। अब हम दोनों का योग निकालते हैं तो यह आता है 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 की 0, हासिल लागे 2 और 2 4 और 1 5, यह आ गया 50।
एफ सिग्मा एफ का जो योग आया है वो 50 आया है, अब हमें निकालना है एफ एक्स का योग। सेम इसी प्रकार से जब हम एफ एक्स का योग करते हैं तो हमारे पास 5, 5, 10 की 0 और हंसी लगी 1, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17 हंसी लगी 1, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 1270 प्राप्त हुआ। अब हमें इस सूत्र में क्या रखना है मान, तो यह आ गया हमारा एक्स बार बराबर 1270/50, 10 से 10 कट जाएगी। अब हमें 5 का भाग देना है 127 में, तो 5×9=10.25.4 यह आ गया आंसर। इस प्रकार से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है हमारी दूसरी विधि जिसका नाम है कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में देखते हैं, चाहे तुम इसी सवाल को ले चाहे अन्य सवाल ले, तो हम एक अन्य सवाल से समझते हैं कल्पित विधि को। हमारा सवाल है वर्ग है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है 4, 14, 21, 8, 3। अब हमें इसे कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें पहले मध्यमान चाहिए और हम मध्यमान को दर्शाते हैं x से, तो यहां निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान x दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे 100 और 110, ये हुए आपके 210। 210 में आपको 2 का देना है भाग, तो यह आएगा आपका 105। अब दूसरा तरीका हमने देखा कि सब में 10-10 का अंतर है और हम इसमें चाहे तो 110+120 जोड़ के 2 का भाग दे सकते हैं, और चाहे पहला मान निकालने के बाद सब में जितने का अंतर होता है उतना अंतर जोड़ते चले जाते हैं। यह आया 105, 115, यह आ गया 125, यह आ गया 135 और यह आ गया 145। अब हमें इन देखा तो यहाँ पर x और f के संख्यात्मक मान बढ़े हैं, तो हम कल्पित विधि से इसका हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें मध्यमान आ गया, f आ गया, तो अब हमें चाहिए सबसे पहले g, और d को हम दर्शाते हैं विचलन कहते हैं। तो ये होता है d बराबर होता है x-a, इन हम कैपिटल a या स्मॉल a से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए क्या है, ए होता है कल्पित माध्य, ए क्या होता है कल्पित माध्य। तो यहां लिखेंगे पहली लाइन माना कल्पित माध्य कैपिटल ए या स्मॉल ए बराबर, ये कैपिटल ए या स्मॉल ए हमेशा मध्यमान में से माना जाता है। इस मध्यमान में से किसी भी विचर को, किसी भी पद को, किसी भी संख्या को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो मैंने इसमें कल्पित माध्य माना है a बराबर है 125, तो हमें निकालना है d, और d निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है विचलन जिसे हम कहते हैं, यह आता है x-a, यानी x में से a को घटाना है। a का मान 125 और x का मान है 105, 105 तो हम जब 105 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -20, यहाँ पर बचेगा आपका -10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। ये कैसे बचा एक बार पुनः बोल रहा हूं मैं, 105 में से जब हम 125 घटाते हैं तो -20 बचेंगे, 115 में से जब हम 125 घटाते हैं तो -10 बचेंगे, 125 में से 125 जाएगा तो 0, 135 में से 125 घटाएंगे तो 10, 145 में से 125 घटाएंगे तो 20। ये हमारे पास विचलन प्राप्त हो गया।
अब हमें एफ का और डी का गुणा करना है, तो यहां पर करेंगे एफ इंटू डी, जिसे एफ डी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि एफ का डी से गुणा करना है। एफ का मान कितना है हमारा 4 और डी का मान कितना है हमारा -20। 4 गुणा -20 करेंगे तो माइनस के ये आ गया 80, 14 गुणा 10 करेंगे तो माइनस का आ गया 140, 0 गुणा 21 करेंगे तो 0, 8 गुणा 10 करेंगे तो 80, यहां पर 3 गुणा 20 करेंगे तो 60। अब हमें प्लस प्लस की संख्या और माइनस माइनस की संख्याएं जोड़नी है। प्लस प्लस की संख्या तो हो गई हमारी प्लस के 140 और माइनस माइनस की संख्याएं हमें जोड़नी है तो ये हो गए माइनस के 220। अब देखा यहां पर कि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो यहां पर जब हम निकालेंगे तो ये सिग्मा एफ डी जो आएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो माइनस के ये बच जाएगा आपका 80। हमारे पास ये आ गया। अब हमें इस सिग्मा एफ का योग करना है। सिग्मा एफ का योग करेंगे तो ये आएगा आपका 4 4 8 और 1 9, 9 और 8 17, 3 20 की 0 हासिल लागी 2, 2 और 2 4 और 1 5, ये बेटा अपना 50 आ गया। हमारे पास टेबल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें सूत्र लगाना है, तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र है कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का। अब इसमें वैल्यू रखनी है तो रखते हैं। एक्स बार बराबर आ गया आपका ए का मान हमने माना है 125 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया है माइनस का 80 और इसका मान है आपका 50। प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आएगा आपका माइनस माइनस 80 बटे 50, 10 से 10 काट दी। यहां पर इसे सरल करेंगे 125 माइनस 5 एकम 5 और ये बच गए 3, पॉइंट लगाएंगे 6, 5 के 30। अब बेटा इसको घटा देते हैं तो इसमें से कैसे घटाना है, 125 में पॉइंट लगाकर क्या बढ़ाएंगे 0 और ये आया 1.6 घटाना है तो 10 में 6 गए तो 4 या 4 में से 1 गया तो 3 और 2 1 या आ गया 123.4। ये आया है हमारा कल्पित विधि से समांतर माध्य। अब हमारी तीसरी जो विधि आती है वो आती है पग विचलन विधि से या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसके लिए सवाल लिखते हैं। सवाल है अपना वर्ग 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसकी बारंबारता है 10, 25, 28, 12, 10, 15। अब हमें पद विचलन विधि से क्या निकालना है समांतर माध्य। तो चाहे हमारा पद विचलन विधि से हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि से, चाहे कल्पित विधि से, हमें तीनों विधियों में ही मध्यमान निकालना पड़ता है जिसे हम x कहते हैं। तो सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान x। यहां पर दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 40 और 50 कितने हुए 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। अब सब में 10 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते चले जाओ, चाहे 50 और 60 को जोड़ो 110, 55 यहाँ पर आएगा, 65 यहाँ पर आएगा, 75 यहाँ पर, 85 और यहाँ पर 95। ये हमारा मध्यमान निकल आया क्योंकि इन सब दोनों लिमिटों को जोड़कर 2 का भाग दिया है। दूसरा जितने का अंतर होता है पहला मान निकालने के बाद वो जोड़ते चले जाते हैं। अब हमारे पास मध्यमान आ गया है तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कल्पना करनी है कल्पित माध्य की। तो हमें कल्पना या कल्पित माध्य की करनी है तो यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य, जिसको अब हम मानना चाहें उसको मान सकते हैं, ए बराबर कोई सा भी मान सकते हैं। इस मानना पड़ेगा एक्स में से, मध्यमान में से।
हम 45 को भी मान सकते हैं, 55 को भी मान सकते हैं, 65 को भी मान सकते हैं, 75 को भी मान सकते हैं, 85 को भी मान सकते हैं और 95 को। वैसे जो माना जाता है अधिकतर ये नियम है आपका, या तो मद की सी संख्या होगी या जिसके सामने सबसे अधिक बारंबारता होती है वो आपका x का मान माना जाता है। तो यहां पर देखा सबसे अधिक बारंबारता 28 के सामने x का मान 65 है, तो हम 65 मानकर हल कर रहे हैं, a बराबर माना है 65। अब दूसरा यहाँ एच का मान चाहिए, अंतराल चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए, तो यहाँ पर देखा 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का है, सब में जो वर्ग है उसमें 10 का अंतर है, तो हम यहाँ एच का मान क्या मानेंगे, एच बराबर मानेंगे 10। अब हमें टेबल के लिए उसमें हमने विचलन निकाला था तो हम इसमें डीवी निकाल सकते हैं, लेकिन डी निकालने के बाद फिर डी में हम एच का भाग देंगे तो यू प्राप्त होगा, डायरेक्ट हम यू भी निकाल सकते हैं। यू निकाला जाता है कैसे, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। इसका अर्थ यह है कि हम एक्स में से ए को घटाएंगे और एच का क्या दे देंगे, भाग। तो x का मान क्या है हमारा 45, 45 में से हम 65 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, और x का मान 10 है, 10 का हम क्या देंगे, भाग, तो ये बचेगा, भाग जाएगा माइनस दो बार, यहाँ पर माइनस एक आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ एक आएगा, दो और तीन। इस प्रकार से मान निकाला है कैसे कि 45 में से 65 घटे माइनस 20, माइनस 20 में 10 का भाग दिया माइनस दो, 55 में से 65 घटाए ये बचे 10, और 10 में हमने 10 का भाग दिया माइनस एक, 65 में से 65 घटाया जीरो, जीरो में हम 10 का भाग देंगे जीरो, 75 में से 65 घटाए 10 बचे, 10 में 10 का भाग दिया एक, 85 में से 65 घटाए 20 बचे, 20 में 10 का भाग दिया दो, 95 में से 65 घटाए 30 बचे, 30 में 10 का भाग दिया तीन। इस प्रकार से हमारे पास U आ जाता है। अब हमें इस U का F से गुणा करना है तो यहां लिखेंगे एफ यू, एफ यू निकालेंगे तो एफ का मान है 10, यू का मान है माइनस दो, 10 दूनी 20, इसका मतलब एफ और यू का क्या करना है, गुणनफल। दूसरा का 25 गुणा एक करेंगे, 25 से कम 25, माइनस की 25, 28 गुणा जीरो करेंगे जीरो, 12 गुणा एक करेंगे 12 कम 12, 10 गुणा दो करेंगे 10 दूनी 20, 15 गुणा तीन करेंगे 45। अब माइनस माइनस की संख्या जोड़ेंगे, प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे, तो माइनस के तो आ गए 45 और प्लस की संख्या आ गई 5 2 7 और 4 3 7 77, प्लस की संख्या है 77 और माइनस की संख्या है आपकी माइनस के 45। अब इसे घटाएंगे तो यहां पर इस बारंबारताओं का पहले इसको घट एक सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए और एक चाहिए सिग्मा एफ, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है समांतर मार्ग, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। एच हमारे पास है सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ नहीं, इन दोनों का हमें योग निकालना है, तो इसका योग करेंगे तो इसका योग आता है 100, इसका योग करते हैं तो ये माइनस के 45 छोटी संख्या है, 77 बड़ी संख्या है, जब 77 में से 45 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे प्लस के 32। अब हम यहां पर मान रखते हैं एक्स बार बराबर आया 65 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 32, सिग्मा एफ का मान है 100 इंटू एच का मान है 10, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यह आ गया आपका 65 प्लस 32 बटे 10, आगे 65 प्लस 3.2, 10 का भाग देंगे 32 में 3.2, इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 68.2। यह हो गया हमारा पद विचलन विधि से समांतर माध ज्ञात करना, पद विचलन। अब तीनों विधियों से हमने समांतर माध ज्ञात कर लिया, नंबर एक प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध ज्ञात किया, नंबर दो कल्पित विधि से समांतर माध ज्ञात किया, तीसरा पद विचलन विधि से समांतर माध ज्ञात किया। अब हमारे पास जब तीनों विधियों से समांतर माध ज्ञात हो जाता है
तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब इसमें आती है कि हम किसी भी बारंबारता जो बंटन है, उस बारंबारता बंटन में जो अज्ञात राशि है, उस अज्ञात राशि का कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात राशि में आपकी, अब अपना सवाल है, यदि निम्न बंटन का समांतर माध 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। यहाँ पर एक्स और एफ का मान है, एक्स का मान 3, 5, 7, 9, 11, 13, एफ का मान 6, 8, 15, पी 8 और 4। दूसरा सवाल था हमारा ये, तो एक ये है हमारी असतत बारंबारता बंटन और ये है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें वर्ग है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध 23 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एफ है 3, 5, एक्स 3, 2। इन दोनों में एक ही तरीका हल करने का, थोड़ा सा अंतर है भाई सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हमें एक्स दे रखा है तो हम इसे हल कर रहे हैं। हल एक्स क्या है आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13। एफ जो है हमारा वह है 6, 8, 15, पी 8, 4। अब हमें, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से माध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो हमें एफ और एक्स का गुणनफल चाहिए। तो यहां करेंगे एफ एक्स गुना करेंगे तो 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105, यहाँ आएगा 9p और 11 8 88, 13 4 52। ये हमने गुणा कर लिया f और x का गुणा। अब हम बारंबारताओं का योग देखते हैं तो यहाँ पर कितना आता है सिग्मा f का योग, सिग्मा f का योग आएगा 8 4 12, 12 और 5, 12 5 17, 17 8 25, 6 31, 31 का 1 का 3 और 1 4, यह आ गया 41 प्लस का पी। अब हम सिग्मा एफ एक्स का योग निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स का योग, इस सिग्मा एफ एक्स का जो योग आता है वो आएगा आपका, जोड़ते हैं इसको तो जोड़ने पर 8 2 10, 10 और 5 15, 15 8 23, 23 का 3 का ऐसे लगी 2, 5 2 7 8, 15 15 और 5 20 की 0 हंसे लागी 2 2 1 3, 303 प्लस के 9p। अब हमें समांतर माध का लगाना है सूत्र, तो यह आ गया समांतर माध एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका मान दे रखा है सवाल में 7.5, बराबर यह आया है 303 प्लस के 9p, यहां पर आया है 41 प्लस का पी। अब इसके नीचे एक मानेंगे और यहां गुणा कर देंगे वर्गुणा, और जब हम वर्गुणा करते हैं तो यह आ गया हमारे पास 303 प्लस के 9p बराबर आ गया 41 × 7.5। करेंगे 41 × 7.5 करते हैं तो ये लिखा है हमने यहाँ पर 41 × 5, 4 5 20, 7 1 7, 7 4 28, इसको जोड़ते हैं 5 7 0 3, ये आ गया 307.5, 307.5 प्लस या जाएगा 7.5p। अब हम इन संख्याओं का पीपी वाले पक्षों को एक तरफ करते हैं, यहां क्या करेंगे पक्षांतरण, यह आ गया 9p माइनस के 7.5p बराबर आ गया 307.5 माइनस 303, घटाया तो यह बच गया 1.5p बराबर यह आ गया 4.5p। यहां से पी का मान निकालना है, पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर आएगा 4.5 में 1.5 का हम भाग देंगे तो पी बराबर आ गया 3। तो अज्ञात बारंबारता
पी का जो मान आया है वो आया है अपना 3। अब हमारा जो दूसरा सवाल था वो वर्ग अंतराल का है, इसी प्रकार का जब हम इसे हल करेंगे तो यहां पर लिखा है वर्ग, यहां पर लिखा है एफ, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां पर है 3, 5 एक्स 3, 2। इस बारंबारताओं का योग करते हैं तो 5, 3, 8, 8, 10, 3, 13, 13 + p आ गया, बराबर आ गया 13 + x। सिर्फ इतना सा अंतर है, वहां पर हमारा p था, यहां पर है x। अब हमें चाहिए यहां पर मध्यमान, मध्यमान को दर्शाते हैं x से। यह आएगा आपका 5, 15, 25, 35, 45। वही तरीका है, यहां गुणा करेंगे हम एफ एक्स का, तो यह आ गया एफ एक्स 5 × 15, 15 × 5 = 75, 25x या 5 = 105, 35 = 105 और 45 × 90। इसका योग करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया, जोड़ेंगे सबको तो 5, 5, 10 और 5, 15 × 5 = 25 तो अलग जोड़ेगा 25x। अब 5, 5, 10 और 5, 15 × 5 = 1, 10, 10 और 8, 18 = 1 और 1 × 1 आ गया 2, 285 + 25x। अब बेटा हमें वही सूत्र लगाना, यहां लगा जो ही यहां लगाएंगे समांतर माध्य, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मान है आपका दे रखा सवाल में 23 बराबर, इसका योग आया 285 + 25x, यहां पर है 13 + x। इसके नीचे 1 मानेंगे या गुणा करेंगे वजगुणा, जब हम वजगुणा करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, इधर की तरफ लिख रहा हूं इसमें मैं, तो 285 + 25x बराबर आ गया 13 × 39, 3 × 13 = 26, 26 × 27 = 28, 28 × 29 प्लस के आगे 23x। अब करेंगे पक्षांतरण, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, 25x - 23x बराबर 299 - 285, यहां बच गया 2x बराबर आ गया 4, 14, तो x बराबर आ गया 14/2 बराबर आ गया 7। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर जो अज्ञात बारंबारता है उसका मान 7 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम किसी भी अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सारणी में 2 अज्ञात बारंबारताओं का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल है, x का मान दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, f का मान है 46, x, y 25, 10, 5। अब हमें इन दोनों अज्ञात राशियों का मान निकालना है, x और y का। x और y का निकालना है तो हमें सबसे पहले सवाल में 200 दे रखा है तो हमें चाहिए एफ एक्स, यहां एफ और एक्स का गुणा करेंगे, यह आ गया 40 × 0 करेंगे तो 0, एक्स गुना 1 करेंगे एक्स, 2 × y करेंगे तो 2y, 25 × 3 करेंगे तो 75, 4 × 10 करेंगे तो 40, 5 × 5 करेंगे तो 25।
अब इनका योग हम वास्तव में हम अपनी तरफ से निकाल कर देखते हैं कि इसका योग आता क्या है। सवाल में दिया हुआ है 200, लेकिन हमारी तरफ से क्या आ रहा है, तो 5, 15, 15 और 25, 40, 40, 6 यह गया 86 प्लस का x प्लस का y, यह आया 86 प्लस x प्लस y हमारी तरफ से आया, जबकि सवाल में दिया हुआ है 200। अब हम इसी प्रकार से इसका योग करते हैं, सिग्मा एफ एक्स का योग, इसका योग करते हैं तो 5 और 5 10, 10 की 0 और 7 4 11 12 13, 13 130 और 1 140 प्लस का आ गया x प्लस का 2y। अब हमें ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ का मान तो सिग्मा एफ के बराबर ही होना चाहिए। एक सवाल में दे रखा है ये 200 और हमारी तरफ से आ रहा है 86 प्लस का x प्लस का y। अब यहां से हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे, ये आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 200 माइनस 86, इसे घटाएंगे तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 114। समीकरण क्या दे देंगे हम इसे, 1। अब हम माध का लगाते हैं, दूसरी शर्त है हमारी माध एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका मान दे रखा है 1.46 बराबर, यह आया है हमारी तरफ से 140 प्लस का x प्लस का 2y और सिग्मा f का योग दे रखा है 200, तो यह आ गया आपका 200। अब हम देखा थे भिन्न के रूप में, तो यहां वज्रगुणा करना है, तो हम इसके नीचे क्या मानेंगे, एक कौन सा गुणा करेंगे, वज्रगुणा, वज्रगुणा करेंगे तो ये हमने इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो यह आ गया 140 प्लस का x प्लस का 2y बराबर, पॉइंट हट जाएगा दो अंकों बाद, पॉइंट लग के 0, 2 से गुणा, 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 2 एक कम 2, 292 आ गया, पॉइंट हट गया, यहाँ क्या कर देंगे पक्षांतरण, x प्लस y बराबर 292 माइनस 140, x प्लस y बराबर आ गया एक्स प्लस टू वाई बराबर आ गया, इसे घटाएंगे 2, 5, 152, इसे समीकरण क्या दे दिया 2। अब हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए, दो इक्वेशन प्राप्त हो गए, पहला था एक्स प्लस वाई बराबर 114, दूसरा है एक्स प्लस टू वाई बराबर 152। तो हमें यहाँ एक्स का और वाई का मान निकालना है, तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से हम चाहे विलोपन विधि लगाएं, चाहे तो हम विलोपन विधि लगाएं, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं, किसी से भी हल कर सकते हैं, हम यहाँ विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो समीकरण ये क्या है हमारा और दो क्या है, x प्लस वाई बराबर 114, x प्लस टू वाई बराबर 152, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर बीजीय व्यंजक के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ आया आपका माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ माइनस का वाई बचा, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस के 38 बच गए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ गया 38, वाई का मान आ गया हमारे पास 38। तो वाई का मान जब 38 आ गया तो हमें अब एक्स का मान और चाहिए, तो हम वाई बराबर 38 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक है क्या हमारा x प्लस वाई, वाई की जगह लिखना है 38 बराबर आ गया 114। हम यहाँ क्या करेंगे पक्षांतरण, तो ये आ गया आपका x बराबर आ गया 114 माइनस 38, तो x बराबर आ गया 76। तो हमारे पास दोनों अज्ञात राशि आ गई, x का मान 76 आया है, y का मान 38 आया है। इस प्रकार से जब हमें वर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी दी हुई हो, तो इसी प्रकार हम उसमें भी दो अज्ञात चर राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं।